दुकान जो है थोड़ी भीड़ है, इसीलिए भाई टाइम लग रहा है, पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। अभी जो है टाइम करीब सुबह के 11 बजने वाली है और मेरा क्लास जो है 11 बजे, लेकिन टाइम अभी 11 नहीं बज चुके हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि मेरी जो गैस है, मैं जिससे खाना बनाता हूँ, वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने जैसे सारे सामान भाई ठीक कर लिया खाना बनाने के लिए, उसके बाद जैसे गैस ऑन किया लाइटर से, तो गैस ख़त्म हो चुकी है। तो पता नहीं आज कैसे खाना खाएंगा, होटल से मंगाऊंगा और खुद चला जाऊँगा होटल। मेरे पास कोई और रास्ता है? तो देख सकते हैं इसमें जो है बिल्कुल गैस नहीं है। मुझे पता था गैस नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि मुझे जो है घर जाना है कुछ ही दिनों में, तो इसीलिए अब भी वही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे खाऊंगा आज और भाई क्या बनाऊंगा, तो ये भाई बहुत बुरी लगी मुझे। अगर ये चीज़ घर में हुई होता मेरे साथ, तो भाई घर में क्या गाड़ी लेकर सीधा चला जाता और गैस फिलअप करके 10 मिनट में आ जाता मार्केट से, और फिर से जो है खाना बनाना पड़ता अगर मैं बनाता तो। लेकिन यहाँ पर भाई क्या कर सकते हैं, जो गैस स्टेशन है भाई बहुत ही दूर है, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से 1 किलोमीटर बाद जो ऑटो मिलेगी, तो यहाँ से भाई गैस टंकी लेकर वहाँ पर जाना, और उसके बाद भाई वहाँ से 1 किलोमीटर आना, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और कैसे जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं और चलेंगे और फिलअप करके। आज तो शाम के आज ही फिलअप करना पड़ेगा मुझे। फिलहाल जो है भाई कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज जो है 11 बजे और टाइम भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 15 मिनट से रह गया है। कॉलेज के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, आपको मिलता हूँ सीधा। A few moments later. I've lost my chance to see us find. Five minutes later. तो फाइनली अभी जो है मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि टाइम 11 बजने वाला है, 5 मिनट ही रह गए, तो धूप भी बहुत है, जा रहा हूँ कॉलेज अभी। तो यहाँ से जो है कॉलेज मेरी 5 मिनट में ही पहुँच जाऊँगा, तो चल रहा हूँ। जो है ख़त्म हो चुकी है और मैं जो है देख सकते हैं यहाँ पर रूम में आ गया, लेकिन अब भी भाई जा रहा हूँ मार्केट जाऊँगा क्योंकि मुझे जो है अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो चला जाऊँगा और आपको भी दिखाऊंगा भाई क्या खाता हूँ। तो थोड़ा जो है दिमाग सटक गया था, सोच रहा था क्या करूँगा क्या नहीं। फिलहाल आप भी देख सकते हैं ड्रेस चेंज करके यूनिफॉर्म जा रहा हूँ खाना लेने, क्योंकि हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है, तो अगर ऐसे ही भाई इग्नोर करता रहूँगा और ऐसे ही बहाने बनाता हूँ कैसे चलेगा। जो है पैदल ही चलकर जा रहा हूँ यहाँ पर मार्केट में। तो यहाँ पर जो है मार्केट आया था और खाना भी खा लिया, अभी जा रहा हूँ, देख सकते हैं कितनी तेज धूप हो रही है अभी। तो बहुत टाइम पैदल चलने के बाद फाइनली पहुंच गया हॉस्टल के पास, और भाई बहुत ही दिक्कत हुई, गर्मी जो हो रहा है ना, क्या ही ब्लॉग बनाऊंगा इसमें। टाइम जो है 2 बज चुका है अभी, और धूप तो आप देख सकते हैं कैमरा से यहाँ पर। अभी जो है पहुंच गया हूँ रूम में, देख सकते हैं पसीना कितना है भाई। खाना खाते हैं और कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे 4 बजे या 5 बजे शाम को, क्योंकि मुझे जो है गैस फिलअप करने जाना है, तभी मिलेंगे आपको। 2000 years later. अभी जो है टाइम करीब शाम की 5 बज चुके, आप देख सकते हैं मैं अभी जो है सो गया था, और जो है अभी यहाँ पर छत के ऊपर घूम रहा, लेकिन ये डॉगी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ही पड़ गए। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। तो फाइनली अब भी जो है भाई दोस्तों के साथ जा रहे हैं गैस फिलअप करने, जंगल वाली रोड से जाना पड़ रहा है, देख सकते हैं कि बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रात जो है काफी हो चुकी है और मैं आ गया हूँ दुकान में गैस भरने, देख सकते हैं यहाँ पर बाईपास के पास ही।
ये है मेरे पीछे खोर्धा और जो भुवनेश्वर बाईपास है, और यहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है मुझे नहीं पता, तो फिलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पर। देख सकते हैं फ्लाईओवर है यहाँ से, और बरौनी जाने के लिए भी आप यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। जो है थोड़ी भीड़ है इसीलिए भाई टाइम लग रहा है, पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से भाई बहुत ही मुश्किल से लेकर आए और फिलअप करके ही जाएंगे, जितने भी टाइम लगे चलता है। तो टाइम भाई यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जैसे ही फिलअप हो जाएगा तो फिलअप करके ही चले जाएंगे यहाँ से। तो फाइनली अभी हम चल रहे हैं, गैस भी फिलअप कर लिया। देख सकते हैं जंगल रोड से जाना पड़ता है कॉलेज की फ्रंट की, जो है भाई लाइट आपको दिख रही होगी, ये है मेरी कॉलेज और रात के वक्त कुछ इस तरह से दिखती है। तो फिलहाल चलते हैं और सीधा जाकर आपको मिलते हैं रूम में। बहुत सारी मेहनत और जो है भाई बहुत दिक्कत हुई लाने में, क्योंकि जंगल वाला रोड था, वहीं रोड से हम शॉर्टकट लेकर जा रहे थे, लेकिन गैस फिलअप हो गया फाइनली। अब भी करीब टाइम 8 बज चुके और मैं जो रूम में आ चुका हूँ, और देख सकते हैं कितनी पसीना आ रहा है। छोड़ी बच्ची हो क्या? हॉस्टल लाइफ और उसके प्रॉब्लम तो आपका अच्छे से भाई दिख रहे होगा मेरे इस ब्लॉग से। फाइनली जो है बहुत खुश हूँ क्योंकि गैस फिलअप कर दिया, अब खाना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइनली अब भी तुम्हारे भाई जा रहा है मस्त, एक थोड़ा रेस्ट करेंगे, फैन लगा कर देख सकते हैं कितनी पसीना आ रहा है। उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है और सब कुछ काम करना भी जरूरी है, इस काम के बीच पढ़ाई को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। गाना बजाओ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो है तो उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब मस्टली करके जाना। तो तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।